समुद्र हृदयमेंगात्र साधक अनुग्रहार्थम श्रुति शिष्य विमानतम बोध मार्तांडमूर्तिम शमित्य मीर्शोकम श्री गुरुम भावयामि हृदयंबुजे कर्णिका मध्य संस्थम सिंहासने सिद्धिमूर्तिम ध्यायेत् गुरुचंद्रशिला प्रकाशन चित्तुष्टिका भीष्टवरं ददानम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिवस है और प्रभु सद्गुरुदेव स्वामी विथेश्वरानंद जी प्रभु जी सद्गुरु जी और माता जी की कृपा से हम इस द्वितीय दिन में हम पर गुरु कृपा किस तरह हमें गुरु कृपा किस तरह प्राप्त हो इसके बारे में हम विचार करते हुए मैंने कहा मैंने देखा है कि हर एक गुरु किसी गुरु के पास जाओ चाहे मेरे पास हो किसी के पास जाओ हम कभी कहते हैं कि साधना सिद्ध नहीं हुई तो तू पवित्र नहीं है तेरे आंखें ठीक नहीं है तूने पवित्रता देखी नहीं है तेरा जल पवित्र नहीं कितना करने पर भी अपने पास वो पवित्रता तो आती नहीं हम प्रयत्न करने के बाद भी और जब तक पवित्रता नहीं होती आज आप देख रहे हैं छोटा सा लैपटॉप भी हो और फोन भी हो उसमें वायरस आ गया तो काम नहीं करता क्योंकि ये सब आकाशीय तत्व से आने वाली ध्वनिया है आकाश से आने वाली चित्र है आकाश से आने वाली इसमें कोई आपको वायर लगा हुआ नहीं है। उसी प्रकार अगर ये है तो हम भी हमारे भगवानों को आकाश से ही आते हुए देखते हैं हमारे भगवान की कृपा हमारी पुकार उन तक जाए वे सुने और हमारी इच्छा पूर्ण करें। लेकिन यह तत्व कैसा हम इस उपकरण को उपयोग कर रहे हैं जो फोन है जो वायरलेस होते हुए हमें दे रहा है लेकिन वायरस आने के बाद वो भी खराब होता है यानी इसका मतलब यह है कि वायरस अगर हमारे में हो तो हम उन ध्वनियों को या उस देवताओं के तत्वों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस तत्वों को प्राप्त करने के लिए फिर हमारी शरीर शुद्धि कैसी क्यों हमें आज भगवान साधना करने पर भी दर्शन नहीं देते साधना करने पर भी हमें सिद्धियां नहीं प्राप्त नहीं होती क्या करने से हमारे में इस तत्व की जागृति हो कि हमें हम भगवान को देख सके भगवान की कृपा प्राप्त कर सके हम आगे चलकर हमारे जीवन में हमारा कल्याण करते हुए हम चार लोगों का कल्याण कर सके चार लोगों के सहायक बन सके हमें इसके लिए क्या करना है ये बहुत बार सोचकर आखिर में ये निर्णय आया कि प्रभु ये तो बात बताओ कि हम तो शुद्ध नहीं है हर हवा में पोल्यूशन है पानी में पोल्यूशन है खाने में पोल्यूशन है हमारे रहने में भी पोल्यूशन है हम सिद्ध और स्वच्छ तो शुभ्र तो है ही नहीं फिर हम शुभ्र नहीं है तो हमारा मंत्र नहीं भगवान तक पहुंचता नहीं और भगवान तक मंत्र पहुंचता नहीं तो भगवान कैसे प्रत्यक्ष होंगे कि हम पुकार रहे करोड़ों लोग हैं हम कर्म भी अच्छे करने जाते हैं लेकिन उसमें भी कोई गलतियां हमारे से हो ही जाती हैं भगवान की पूजा करते हैं तो हम निष्ठा के साथ बैठ नहीं सकते और ये सब जब नहीं होता तब भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती और इस भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना तुम्हें हम साधना को बैठते समय कम से कम हमारे लिए ये हो कि हम शुद्ध है हम साधना कर रहे हैं और हमारे को जिस साधना को करें देवता की सिद्धि हमें प्राप्त हो ही हो हम शुद्ध हैं हमारी आंखें मन तन सब कुछ शुद्ध है इसको हम किस तरह प्रयत्न करें क्या करना चाहिए यह प्रश्न बार बार मैं ढूंढता रहा मैंने सोचा भी कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अब आप बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हैं ये बात अलग है कोई कर्म कर रहा है नौकरी कर रहा है पैसे आ रहे हैं घर हुई शादी हुई बच्चे हुए लेकिन फिर भी उसकी परेशानियां उसको है और जिनको ये सब प्राप्त हुए उनकी एक लालसा है कि हम भगवान को देखें हम भगवान की कृपा प्राप्त करें हमारे भगवान का भगवान हमारे को दर्शन दें यह हमारी इच्छा सभी को रहती है आपको नहीं सभी को इस यह तत्व आपको सभी में बना हुआ है तो इसके लिए हम क्या करें क्या करने से हमारे में शुद्धि आ जाएगी हम शुद्ध करते हुए इन बातों का हम लक्षण देते हुए इन बातों को देखते हुए आगे चलें इसके बारे में शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए इस साधना को ऐसी एक साधना जो हमें शुद्धि प्रदान करे हम अगर भगवान को महालक्ष्मी की मंत्र करते हैं और मांगे कि महालक्ष्मी माता आज हमें पैसा चाहिए तो पैसा आ जाना चाहिए हमारे को कोई शत्रु सता रहा है तो हम बोले कि इस शत्रु का नाश होना चाहिए तो शत्रु का नाश होना चाहिए कारण नहीं कारण के साथ अन्याय हमारे पे होना चाहिए हो रहा है तो उस अन्याय को हम सहन करने की शक्ति नहीं उस अन्याय का असन्याय पर प्रहार करने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए और जब तक ये हम नहीं कर सकते हम आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जिस जीवन का कोई मतलब नहीं पशु भी जी रहा है खाना खा रहा है बच्चे पैदा कर रहा है सो रहा है और जीवन जीता हुआ चला जा रहा है दो मार खा रहा है अगर किसी के घर में घुस गए ले लिए हम भी चोरी करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं हम भी पैसे कमा रहे हैं और हम भी जीना जी रहे हैं लेकिन क्या वो शुद्धता हमारे में है
क्या हम हमारे बगल में जो है उनकी रक्षा कर सकते हैं? हम हमारी रक्षा कर सकते हैं कोई अगर हमारे पर कोई प्रयत्न प्रहार करें? ये हमारा जीवन ऐसा कितने दिन चलेगा? योग्य गुरु जब अपने पास हो तो हम योग्य गुरु से यही मांगना चाहिए कि मैं मेरी रक्षा करते हुए संसार की रक्षा करूं। मैंने इससे पहले यह भी उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण यूं ही कंस को मारने नहीं गए। कंस ने उनके बहन और बहनोई को तो जेल में डाला ही था और जो भी स्त्री उसे दिखती थी, जो यंग थी, जो 16 वर्ष की 17 वर्ष की थी, उसको उठा के लाता था, उसको भोगता था और अपने जेल में डाल देता था, उसको वहां से जाने नहीं। जितने सुंदर स्त्रियां गोपिकाएं वृंदावन में थी वो उसके कब्जे में थी, कंस के कब्जे में थी। कृष्ण जब मुष्टि युद्ध करने आए और कंस को मारा तो उन्होंने देखा कि 16,000 गोपिकाएं जो सुंदर थी जेल से उसके कब्जे से बाहर आई और वो लोग देख रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है। आज भी हमारे पास समस्या है, आज भी हमारे पास ये समस्याएं हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पति है अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। वो कहता है कि पत्नी और हम दोनों नौकरी करें तो हमारी जिंदगी गुजरती है, पत्नी में ये शांत है, और पत्नी नौकरी जाती है तो उसके ऊपर हम शंका करते हैं कि तू किसके साथ बात करे, क्या करे, कैसा जीवन होगा, कैसा जीवन निकालना चाहिए, हम किस तरह का जीवन जीना चाहिए, हमारे में अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति एक निष्ठावान हम कैसे बने, हम न पुरुष बन सके न स्त्री बन सके, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम केवल यह चाहते हैं किसके ऊपर कोई उंगली उठाकर हम बता दे, क्योंकि हमारे में वो समर्थता नहीं है कि हम किसी को एक कहते हुए कि मैं मेरे पत्नी बच्चों को पालता हूं, तू बैठ जा, मैं तेरे को वो सारा सुख दूंगा। ऐसे करने वाले बहुत कम लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं चाहता कि स्त्री नहीं करनी चाहिए, स्त्री को नौकरी करनी चाहिए। क्या स्त्री को नौकरी के जाने के बाद या कहीं व्यापार जाने वो सेफ है, वो रक्षक है, उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं जारी जाती, उसको सताया नहीं जाता, ऐसा होता है तो क्या स्त्री उसका उसके उसके ऊपर या उसके ऊपर किसी अन्याय के ऊपर वो बात उठा सकती है? ऐसा नहीं हो रहा है। ना पति उठा सकता है, ना पत्नी उठा सकती है, ना स्त्री उठा सकती है। ऐसा कितने दिन ऐसी सिचुएशन में जब कृष्ण ने गोपिकाओं को बाहर आया तो गोपिकाओं ने यही प्रश्न किया कि हम अगर मथुरा में या वृंदावन में बाहर आते हैं तो हमें कौन स्वीकार करेगा? बहन करते हैं तो हमारी शादी हो, माँ कहते हैं तो हमें माँ के रूप में तूने कंस के पास सो के आई हो, तेरा क्या जीवन है, ऐसा कहेंगे। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूँ, हर प्रकार का सुख तुम्हें देता हूँ और किसी प्रकार का तुम्हें पर कष्ट नहीं होने देता। वही परम पुरुष था, वो पुरुष था, उसने इसलिए ये बात कही और कहा कि उनकी रक्षा की। उसने कहा तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। वो उस दिन का स्त्री महिलाओं को रक्षा करने वाला एक महान पुरुष था, महान योगेश्वर था, जिसने वो रक्षा की और स्त्रियों को किसी के चुंगल में फंसते ना हुए वो आनंद और सौख्य प्रदान। उनको ऐसा ही नहीं सिर्फ पत्नियों या पत्नियां बनकर ही नहीं रखा, उनके वो उनको सारे वो आनंद दिया। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, इसलिए 16 कलाओं से निर्मित पुरुष कहा गया। वो कृष्ण जिसने राक्षसों को मारा, लेकिन इतना होने पर भी कृष्ण को एक बात चुभ गई कि हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन है और उसने भरी सभा में केवल उसके ऊपर हंसने से द्रौपदी का चीर हरण किया। सभी उसके पति देखते रहे, भीष्मादि द्रोणाचार्य आदि देखते रहे और एक स्त्री का चीर हरण हो रहा था। अगर गलती से भी कहीं ऐसी जगह आज हो जाए तो उसके ऊपर कोर्ट केस और सब लोग मारने जाएंगे। तब उस कुरुक्षेत्र उस द्वापर युग में वो भी नहीं हुआ, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े थे और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। ये कितना अन्याय था, गुरु जी का कहना था आज हम अन्याय की बात करते हैं, वो कितना अन्याय था द्रौपदी के साथ हो रहा था। द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर कहती द्रोणाचार्य को, भीष्म को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को और अपने स्वयं पतियों को कहा कि मेरी रक्षा करो। पति हार गए थे उस द्रौपदी को और ये क्या ये अच्छा गुण था? वो द्रौपदी युग में और रो रही थी। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कहा कि स्त्रियों पर अत्याचार कितने दिन कृष्ण आप कब तक देखते रहोगे, कृष्ण तब अपने वृंदावन में 16,000 गोपिकाओं अष्ट भार्याओं राधा के साथ थे। जब द्रौपदी का यह प्रश्न, द्रौपदी का ही यह पुकार कृष्ण सुने और कृष्ण भागते हुए उनके पास आए और उन्होंने कहा कि द्रौपदी मैं आज तुझे देखता हूं, क्योंकि कृष्ण उस समय 16,000 गोपिकाओं राधिका और अष्ट भार्याओं के साथ बहुत जोरों से इधर उधर टल रहे थे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। तो अष्ट भार्याओं ने पूछा क्या कृष्ण तुम ऐसे क्यों टहल रहे हो, बेचैन क्यों हो, क्या बेचैनी है तुम्हें?